हेलो दोस्तों, मैं सागर पाव आज आपको बताने वाला हूँ वेडिंग पेंटिंग करने का आसान तरीका। दोस्तों, हम आज स्प्रे मशीन बनाएंगे और उससे वेडिंग पेंटिंग करने का तरीका जानेंगे। एकदम सिंपल है दोस्तों, आउटलाइन करना होता है और उससे स्प्रे मशीन से स्प्रे करके हम फूल को या डिजाइन को आकर्षित लुक दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं स्प्रे मशीन कैसा बनता है। हमें कुछ इस तरह का सामान चाहिए, रॉ मटेरियल। दोस्तों, ये एक पेन है जो बिल्कुल खाली हो चुकी है, इसका कोई स्याही नहीं है, मतलब इसमें इंक नहीं है दोस्तों। और ये एक जिप साफ करने वाला, और ये कुछ धागे छोटे छोटे टुकड़ों में हैं जिसे हम बांधेंगे, तो वाइंडिंग चलो हम करेंगे। इसे स्प्रे मशीन बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसे निकालते हैं। इसको निकाल लेना है, इसका जो इंक डलता है वो रिफिल और ये कवर दोनों अलग अलग कर देंगे दोस्तों। और इसको हम अभी काटेंगे बिल्कुल आधे आधे हिस्से से। तो दोस्तों, ये पेन का कवर है जो अब कट चुका है, इसे हम इस हिस्से को लेंगे यूज में। दोस्तों, ये वाली हिस्सा हम यूज करेंगे, इसको उपयोग में लेंगे दोस्तों, और ये जो हिस्सा है इसको हम फेंक देंगे। जिस तरह से हमने इस कवर को काटा हुआ है उसी तरह से उससे थोड़ा काटने के छोटा बाद हम ये वाला हिस्सा यूज करेंगे दोस्तों, और ये वाला हिस्सा नहीं जिसको हम करेंगे। कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे और इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे दोस्तों। इस टाइप का रहेगा, ये देख लीजिए बिल्कुल इस टाइप का। और हम इसको काटेंगे दोस्तों, इसको हम काटेंगे दोस्तों, इसको हम काटेंगे इससे थोड़ा छोटा, इतना बड़ा काटेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों, इस तरह का मैंने कट कर लिया है और इसे हम रखेंगे कुछ इस पोजीशन में दोस्तों। देखिए, इसी पोजीशन में रखेंगे। ये जो बड़ा वाला पाइप है वो ऊपर की तरफ रहेगा। बांधने से पहले, वाइंडिंग करने से पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो कवर है ऊपर की तरफ रहेगा और जो रिफिल है वो नीचे की तरफ। और देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से रहेगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा दोस्तों। इस तरह से बांध कर इसको पूरा टाइट कर लेना है दोस्तों। हम इस रस्सी को कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से ठीक सेंटर में रखकर बांधना है। छोटा वाला रिफिल को बड़ा वाला जो कवर है हमारा उसके ठीक सेंटर में रहना चाहिए, तभी जाकर हमारा जो कलर है, पानी है, स्प्रे हो पाएगा, उससे निकल पाएगा दोस्तों। बांधने के बाद कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों आपका स्प्रे मशीन। दोस्तों, ये जो देखिए, इधर से हम मुंह लगाकर फूकेंगे तो इधर से प्रेशर में हवा निकलेगा दोस्तों। जब ये हवा निकलेगा तो ये जो छोटा वाला रिफिल है, ध्यान रखना है, छोटे वाले रिफिल पे इसका आधा हिस्सा हवा नीचे की तरफ पड़ना चाहिए और आधा हिस्सा ऊपर की तरफ, तभी जाकर कलर निकलेगा। और ये जो देखिए, सेंटर में रखना है बिल्कुल, इसको सेंटर में, ना ज्यादा इधर होना चाहिए दोस्तों, ना होना चाहिए इधर, ना होना चाहिए ऊपर, ना होना चाहिए नीचे, तो ठीक है सेंटर में रहना चाहिए। और इसका जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है ना तो नीचे की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहना चाहिए, ना तो ज्यादा ऊपर की तरफ फैला हुआ रहना चाहिए, बीच ठीक इसी तरह रखना है दोस्तों, आपको। मैंने ड्राइंग बनाया है आपको थोड़ा समझाने के लिए। दोस्तों, ये छोटे वाले पाइप का जो कट है बड़ा वाला पाइप के ठीक सेंटर में आएगा दोस्तों। इस तरह से देखिए, ठीक बीचों बीच सेंटर में रखिएगा ताकि आप जब यहाँ से आप मुंह लगाकर आप फूके, इसको हवा दें, प्रेशर दें, तो इसका जो हवा है तो इस तरह हवा का से आधा हमारा हिस्सा स्प्रे इस मशीन पाइप के बन नीचे चुका है लगना चाहिए दोस्तों। आपको और ऐसे आधा एक हवा स्प्रे मशीन दोस्तों बना ऊपर लेना जाना है। चाहिए। और चलिए आपको दिखाता हूँ कि उसे यूज कैसे करना है। तो उसे यूज करने के लिए दोस्तों मैं ये एक डिजाइन बना रहा हूँ, सिंपल फ्लावर डिजाइन।
ये ब्लैक कलर का आउटलाइन कर रहा हूँ दोस्तों। इसी तरह आपको भी डिजाइन वगैरह बना लेना है या आपका जो मर्जी आप बना सकते हैं और उस स्प्रे मशीन से कलर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस तरह से उस स्प्रे मशीन में कलर करेंगे। ये सिंपल डिजाइन बन चुका है। चलिए देखते हैं कैसे कलर कर सकते हैं, किस तरह से हमारा स्प्रे मशीन काम करेगा, आइए देख लेते हैं। ये स्टेनर कलर है जिसे मैं अपने पेंटिंग में यूज करता हूँ। ये 40 रुपए का आता है दोस्तों, ओनली 40 रुपीज। तो जितना कलर था उससे थोड़ा ज्यादा वाटर लेकर इसे मैंने घोल लिया है। अब इसे हम स्प्रे करेंगे दोस्तों। जो डिजाइन बना है आप देख रहे हैं सामने में, जो सिंपल सा फूल बना है उसमें हम इस कलर को भरेंगे उसी स्प्रे मशीन से जिसे हमने अभी बनाया है, कलर में डुबाएंगे। देख लीजिए, छोटा वाला जो पाइप है उसको कलर में डुबाएंगे और बड़े वाले से हमको फूकना है। अभी मैं आपको फूक कर दिखाता हूँ कलर कैसे निकलेगा इससे। इस तरह से मुंह लगाकर फूकना है, इस तरह से। अभी मैं आपको फूक कर दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, हम इस तरह का फूल बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं और उसी स्प्रे मशीन से कलर कर सकते हैं दोस्तों। आपने अभी देखा बिल्कुल इस तरह से। अगर आपको मेरा पेंटिंग, मेरा जो कलर भरने का तरीका अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए दोस्तों। धन्यवाद।